दोस्तों अगर आप भी परेशान हो अपने वीडियोस पर व्यूज़ को लेकर, अपने वीडियोस रैंकिंग को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियोस पर व्यूज़ कैसे गेन करें और अपने वीडियोस की रैंकिंग कैसे इंप्रूव करें। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप अपने वीडियोज़ की रैंकिंग बेटर कर सकोगे और अपने वीडियोज़ पर अच्छा खासा व्यूज़ गेन कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूँ क्रिएटर वैली यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों जो भी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताता हूँ वो केवल और केवल मेरे रिसर्च बेस पे होती है, मेरे लर्न बेस पे होती है। मैं चीज़ों को लर्न करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मैं किसी एक्सपर्ट से जानना चाहता हूँ तो डेफिनेटली इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं एक लर्नर हूँ और लर्न करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं अपने वीडियोज़ के टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको एक ग्रेट कंटेंट क्रिएट करना होगा। दोस्तों ग्रेट कंटेंट मेरे अकॉर्डिंग दो तरीके से बनता है, एक पहले यूनिकनेस, दूसरी होती है क्वालिटी। दोस्तों अगर हम यूनिकनेस की बात करते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी कंटेंट को किस हिसाब से डिलीवर कर रहे हो। आपने अपने कंटेंट में कुछ ऐसा चेंज लेके आना होगा जो कि यूट्यूब में सबसे अलग हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्रुव राठी को ले सकते हैं, उसने अपने कंटेंट को पूरा रिसर्च बेस्ड कंटेंट बना रखा है। वो पहले पूरा रिसर्च करता है, उसके बाद ही यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो कुछ इस तरह के आप भी यूनिकनेस ले सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल से सीख सकते हैं कि उनके वीडियोस में क्या ऐसी यूनिकनेस है जिससे लोग उनके वीडियोस को देखते हैं, और वही सेम चीज अपने ही वीडियोस में यूनिकनेस लेके आओ जिससे कि लोग आपके वीडियोस को देखें। तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो है क्वालिटी। दोस्तों आपको अपने वीडियोस की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्वालिटी दोस्तों तीन चीज़ों से मिलकर बनती है मेरे अकॉर्डिंग। पहली होती लाइटिंग, साउंडिंग, उसके साथ साथ दोस्तों एडिटिंग। दोस्तों अगर आप ये तीनों चीज़ों को इम्प्रूव कर लोगे तो डेफिनेटली अगर आप अपने स्मार्टफोन से ही वीडियो शूट कर रहे हो तब भी आपके वीडियोस की क्वालिटी बेटर होगी। तो दोस्तों आप इस पे काम करिए, इसे इम्प्रूव करिए कि आपकी ऑडियंस अगर फर्स्ट टाइम आपके वीडियोस को देख रही है तो आपसे जुड़ सके, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है ये। दोस्तों वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में आपको अपने टाइटल, थंबनेल, टैग और डिस्क्रिप्शन पे काम करना होता है। दोस्तों जब भी आप टाइटल डाल रहे हो तो सबसे पहले उसे रिसर्च कर लो कि उस टाइटल को मंथली वाइज कितने लोग सर्च कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे जाके सिंपली जो भी आपका टाइटल है आप उसे सर्च कर दीजिए, आप वहाँ पे देख लीजिए कि उसकी जो सर्च वैल्यू वो हाई है, मीडियम है या लो है, जो भी होगी आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा एक रफली। अब बात करते हैं दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन की। दोस्तों जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी पूरी स्टोरी लिखना नहीं होता है, सिंपल वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि वीडियो में आपने बताया क्या, यानी वीडियो किस टॉपिक पे है और आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको मिलेगा क्या। दोस्तों सिंपल से यही दो चीज़ आपको अपने हर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना है, और उसके साथ साथ दोस्तों अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में अपने अदर वीडियोस को लिंक भी डाल दो जिससे कि आपके वीडियोस की और भी रैंकिंग बेटर हो सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं टैग। दोस्तों जब भी आप टैग अपने वीडियोज में डाल रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि जो भी आपका कंटेंट है आप इसे कितने टाइप से सर्च कर सकते हो, इतनी सारी क्वेरीज या जितने सारे तरीके से आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हो सारी चीज़ें आप अपने टाइटल में डाल दीजिए जिससे कि लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि लोग भी आपके जैसे ही सर्च करते हैं। आप अगेन गूगल प्लानर में जाइए, वहां से उस कीवर्ड को सर्च करिए जो लोग सर्च करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यूम देखिए कि लोग कितनी बार इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, आप उसको भी अपने टैग में मेंशन कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको एक काम और करना होगा कि आपको अपने हर वीडियोस को जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो कार्ड का इस्तेमाल करना है, कम से कम 5 से 6 कार्ड का इस्तेमाल करना है कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस की रैंकिंग बेटर होती चली जाए, और वीडियोस के एंड में आपको एंड कार्ड का जरूर इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे आप अपने वीडियोज अपने यूट्यूब पर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके वीडियोज की रैंकिंग भी अच्छी होगी, आपके वीडियोज पर व्यूज भी आएंगे। दोस्तों ये फंडामेंटल वीडियोज था, इसके एडवांस वर्जन भी वीडियोज आएंगे, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर रहा हूं, जब तक मैं उससे संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा वो सारी चीजें मैं आपको डिलीवर नहीं करूंगा। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में थोड़ा सा वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ स्माइल।